एयरपोर्ट प्रो में कॉल कैसे उठाए ये दोस्तों, अगर आपके पास एयरपोर्ट प्रो है और उसको आपने जो अपने आईफोन से कनेक्ट करके रखा है, तो आप जो है उसकी मदद से, एयरपोर्ट की मदद से कॉल को कैसे उठा पाओगे, कैसे आप जो है कॉल को कट कर पाओगे, और साथ में कैसे आप जो है कॉल में अगर आप बात कर रहे हो तो उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ा पाओगे और कम कर पाओगे, वो मैं आपको बताऊँगा। अगर आप जो है एयरपोर्ट प्रो को कनेक्ट कर लियो अपने आईफोन से, तो आपको जो है अपने आईफोन को टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि किसी दूसरे का आपके फैमिली मेंबर या फिर किसी भी रिलेटिव का फ़ोन आता है तो आप जो अपने आईफोन को टच करके कॉल को रिसीव करने के लिए ग्रीन बटन प्रेस करते हो और कॉल को कट करने के लिए रेड बटन प्रेस करते हो, और साथ में अगर आपको जो है आवाज़ कम लगता है तो आप जो है आवाज़ बढ़ाने के लिए वॉल्यूम अप का बटन अपने आईफोन पर क्लिक करते हो, अगर आपको आवाज़ कम करने का रहता है तो वॉल्यूम डाउन का बटन क्लिक करते हो, ठीक है। तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है सारा का सारा जो कंट्रोल है अपने एयरपोर्ट प्रो से कनेक्ट करने के बाद कर सकते हो। तो चलिए सीखते हैं दोस्तों, अगर आप जो है अपने आईफोन प्रो में एयरपोर्ट प्रो को कनेक्ट करते हो तो किस तरीके से आप कॉल को रिसीव और कट और साथ में वॉल्यूम अप डाउन का जो है वो कर सकते हो करके, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको जो है अगर नए रहोगे अपने जो एयरपोर्ट है उसके थ्रू आप जो है यहाँ पे कॉल रिसीव और कट करोगे या फिर आवाज़ को बढ़ाओगे तो आपको दिक्कत जा सकता है, क्योंकि नए में आपको जो कंट्रोल यहाँ पे सही से नहीं बनता है, लेकिन आप जो है करते करते आओगे तो आपका जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे बन जाएगा। शुरुआत में जो है दोस्तों मैं भी जो है अपना जो एयरपोर्ट है उसको कनेक्ट करके रखा था अपने आईफोन से, और जो है दोस्त लोग से कॉल पर बात वगैरह करता था तो वहाँ पर जो है गलती से जो है टच हो जाता था, तो एक टच के चलते यानी कि अगर आप जो आवाज़ बढ़ाते हो और उस या फिर कम करते हो उस टाइम अगर आप जो है सही से नहीं करते हो तो एक टच के चलते आपका जो कॉल है वो कट हो जाता है, डिसकनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं अपने एयरपोर्ट प्रो से आईफोन पे कॉल आने पर किस तरीके से उठाया जाता है करके। सबसे पहले तो अपने एयरपोर्ट को इस तरीके से ओपन करके अपने आईफोन से उसको कनेक्ट कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ अपने आईफोन पर, और कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद चलिए बताता हूँ कैसे यहाँ पर इसका इस्तेमाल करना है। मैं इसको नीचे रख देता हूँ, और यहाँ पर जब कनेक्ट हो जाएगा आपको अपना जो ये ईयरबड है, ठीक है, एयरपोर्ट के अंदर ये जो ईयरबड है इनमें से एक ईयरबड से आप कंट्रोल कर सकते हो, चाहे आप लैपटॉप से करो चाहे राइट से करो, आप इनमें से एक ईयरबड के थ्रू अपने जो कॉल का जो काम है कट करने का या फिर रिसीव करने का या फिर आवाज़ बढ़ाने का वो कर सकते हो। इसको आप जो कानों पर लगा के रखोगे तो आप कानों पर लगाए ये कंट्रोल आप कर सकते हो, लेकिन मैं अभी जो है आपको बताने के लिए यहाँ पे अपने हैंड से बताऊँगा किस तरीके से कंट्रोल करते हैं करके। बाकी आप जो ईयर पे अपने कान पे इसको लगा के रखोगे तो सेम तरीके से कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे बता देता हूँ किस तरीके से कंट्रोल करना होता है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद ही आपको जो है यहाँ पर लाइव करके बताऊँगा कॉल वगैरह, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये ईयरबड है एयरपोर्ट का आपका, और यहाँ पर आपको पास से दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये जो दिया है इसी के थ्रू आपका जो है सारा का सारा जो कंट्रोल है वो होगा। अगर आप जो इसको एक बार इस तरीके से प्रेस करोगे तो अगर आपके में आईफोन पे कॉल आते रहेगा, ठीक है, जैसे कि मान लो आप जो है अपने एयरबड को कनेक्ट करके रखे हो अपने आईफोन से और गाना वाना सुनते सुनते जा रहे हो कहीं पे, और उसी बीच में आपको जो है मतलब आपका जो आईफोन है वो आपके जेब पे है, या फिर आप जो है ड्राइविंग कर रहे हो कार पर या फिर बाइक पर हो और आपका जो आईफोन है वो जो है जेब पर है, ठीक है, किसी वजह से आप अपने आईफोन को टच करके नहीं करना चाहते हो कंट्रोल, आप ईयरबड से ही करना चाहते हो, तो कैसे कहते हैं बता रहा था मैं आपको कि यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये जो बटन दिया है इसी के थ्रू आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप एक बार इसको टच करोगे, ठीक है, तब आपका जो है कॉल आते रहेगा तो वो रिसीव हो जाएगा, कॉल उठ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जो उससे बातचीत कर सकते हो। अब इसी बीच अगर आपको जो है वॉल्यूम अप करना है या फिर डाउन करना है तो कैसे करते हैं वो भी बताता हूँ। तो यहाँ पे आप जो है इस तरीके से कॉल जब रिसीव कर लोगे, बातचीत चलते रहेगा, उसके बाद आप जो है आवाज़ को बढ़ाना चाहते हो तो इस तरीके से आपको ऊपर करना है। आप ऐसे टच कर देंगे तो कॉल कट हो जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आपको आवाज़ बढ़ाना है तो इस तरीके से ऐसे करके ऊपर करते जाना है, आपका आवाज़ बढ़ते जाएगा, वॉल्यूम अप हो जाएगा। अगर आपको आवाज़ कम करना है तो आप इस तरीके से नीचे करेंगे, डाउन करेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो आपका आवाज़ कम होगा और ऊपर करेंगे तो आवाज़ बढ़ेगा, ठीक है। ये हो गया, अब जो है आपका बातचीत का जब कंप्लीट हो जाए तो आप जो है यहाँ पे इस तरीके से जिस तरीके से हमने इस कॉल को रिसीव किया था उसी तरीके से आपको टच करके कॉल को डिसकनेक्ट कर देना है, कॉल कट कर देना है। तो ये आप कर सकते हो। मैं आपको हाथों से अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा जो है अभी कान पर बताऊँगा तो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना रहेगा, आप अपने ईयरफोन को अपने कानों पर लगा रखे रहोगे, लेफ्ट या फिर राइट जो भी आप जिससे भी कंट्रोल करते हो आप उससे कंट्रोल कर सकते हो, जैसे मैंने आपको कंट्रोल बताया है करके, ठीक है ना। और चलिए अभी हमने सीख लिया कैसे करते हैं, अब चलिए यहाँ पे लाइव हम जो है कॉल करते हैं और कॉल को रिसीव करते हैं और वॉल्यूम अप और डाउन भी कर लेंगे, साथ में कॉल को कट करेंगे। चलिए ये सब करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे
ये जो आईफोन है वो तो लाइटिंग कम दिख रहा है। चलिए कोई नहीं, मेरे पास एक और आईफोन है जो कि 15 प्लस है, ये आप देख सकते हो दोस्तों, और इसमें आपको बताता हूँ। तो दोस्तों नीचे में मेरा एयरपॉड प्रो है और यहाँ पे आईफोन 15 प्लस है, इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर लिया है और इसी में मैं आपको बताता हूँ कॉल आता है तो कैसे यहाँ पे कॉल को उठाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम जो है दूसरा जो आईफोन है जिस पे हमने रिचार्ज किया है उसी के थ्रू हम यहाँ पे कॉल करते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं। ये देखिए कॉल कर दिया हमने, डोरेश भाई न्यू नंबर और डोरेश ब्लॉग, इस तरीके से कॉल आ रहा है दोस्तों। अब चलिए हम इसको रिसीव करते हैं, तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे एक बार, ये देखिए, और ये कॉल जो है उठ चुका है। आप देख सकते हो कॉल यहाँ पे इस तरीके से अब बातचीत हो रहा है। ठीक है, वो जो बातचीत है ईयरफोन के थ्रू यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से कॉल पे बात बात हो रहा है। अब चलिए हमारा जो नेक्स्ट टास्क था वो था हमारा आवाज़ को बढ़ाने वाला, तो वो करते हैं। तो आवाज़ को बढ़ाने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अगर सही से टच नहीं करोगे तो ये कॉल कट हो जाएगा। चलिए मैं आपको सही से बताता हूँ, तो यहाँ पे चलिए हमने यहाँ पे जो है आवाज़ को बढ़ाने के लिए करना क्या रहता है बताया हूँ मैं आपको, ये इस तरीके से ऊपर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ इस तरीके से, और इस तरीके से करेंगे तो आवाज़ कम होगा। देखिए वहाँ पे दिखाई दे रहा है, ब्लर है लेकिन तो भी। चलिए हम उसको फोकस करते हैं हमारे आईफोन को, और देखिए आईफोन यहाँ पे हम करते हैं इस पर, ठीक है, और चलिए बढ़ाते हैं आवाज़। कॉल कट कर दिया यार हमने गलती से, चलिए फिर से कॉल लगा लेते हैं एक बार। ये कॉल आ रहे हैं, न्यू नंबर और डोरेश ब्लॉग, टच करेंगे इस पर, ये कॉल उठ गया। कॉल उठने के बाद आवाज़ को बढ़ाने का काम है, तो चलिए आप इसको ध्यान दीजिए आईफोन को, मैं आवाज़ बढ़ाता हूँ। ये देखिए आवाज़ बढ़ रहा है, आवाज़ कम करते हैं, ये देखिए इस तरीके से करना रहता है, और बढ़ाने के लिए ये देखिए इस तरीके से बढ़ाना रहता है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ तब ज़्यादा समझ में अच्छे से आता है। ठीक है, आवाज़ देखिए बढ़ेगा, ये देखिए बढ़ रहा है, और ये देखिए कम करेंगे तो गलती से फिर कॉल कट हो गया दोस्तों। तो आप जो है शुरुआत शुरुआत में इस तरीके से करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा, लेकिन आने वाले टाइम में डोरेश भाई न्यू नंबर और डोरेश ब्लॉग आपका सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। टच करेंगे तो ये कॉल उठ जाएगा, ये देखिए आवाज़ बढ़ाने के लिए यहाँ पे इस तरीके से करना रहता है। अब चलिए अब कॉल को कट करने का, ओके अब चलिए कॉल को कट करने का जो काम रहेगा वो कैसे रहेगा, सेम एक बार टच करेंगे तो ये कॉल कट हो जाएगा, ये देखिए कॉल कट हो गया। तो इस तरीके से आप जो है अपने एयरपॉड प्रो में कॉल आने पर इस तरीके से उठा सकते हो, मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकल करके बता दिया है। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को आप जो है ऑल पे सेलेक्ट करें, क्योंकि मैं इस तरीके का कमाल कमाल का वीडियो आप लोग के लिए बनाता हूँ। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं ऐसे और नए वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।